नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन से बढ़ते तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दी घटना की पूरी जानकारी। पीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में चीन के खिलाफ बड़ा लोगों का गुस्सा। जगह जगह चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर लोगों ने जताया गुस्सा। सीएम ने सचिवालय में की जल जीवन मिशन की समीक्षा। ग्रामीण इलाकों में 2 साल में 75% जल पहुंचाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में अब बसों में सफर करना हुआ महंगा। 2 गुना हुआ किराया। किराए में वृद्धि महामारी अधिनियम के प्रभावी करने पर लागू। अब बाबा केदार की बरसात की होगी होम डिलीवरी। करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बनाया पोर्टल। और लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 80 नए मामले। कुल केसों की संख्या हुई 2102। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। 2024 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाना है और इसके लिए प्रत्येक वर्ष का टारगेट बनाया जाए। बता दें, जल जीवन मिशन के तहत अगले 2 वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा में आज विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर काशीपुर के विकास कार्यों की गति की समीक्षा की। इस दौरान काशीपुर विधानसभा से संबंधित विभिन्न समस्याओं के शीर्ष निस्तारण को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक के दौरान नगर की सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों, नगर में बढ़ती ई रिक्शाओं, नगर में जल भराव की समस्या, अमृत योजना के अंतर्गत कनेक्शनों, लॉकडाउन के बाद नशे की बढ़ती आशंकाओं पर चिंता जाहिर की गई। लॉकडाउन की वजह से बीच में ये मीटिंग होना बंद हो गया था। इसमें जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम से हों, पुलिस प्रशासन है, और इसके अलावा आपका निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है जो बन रहे हैं, इनके पदाधिकारी, हमारे रोडवेज से संबंधित जो अधिकारी है, एआरटी, ये सबको बुलाया जाता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड 19 को देखते हुए प्रदेश में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए 3 हाईटेक टेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए 11.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत की गई है। खरीदी जाने वाली इन हाईटेक मशीनों की टेस्टिंग क्षमता 800 प्रतिदिन है। इस प्रकार हिसाब से 2400 टेस्टिंग हर दिन में हो सकेंगी। आज पूरा देश लद्दाख के चाइना बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के साथ हुई अमानवीय घटना से दुखी है और चीन को सबक सिखाने की मांग पूरे कर देश में उठ रही है। साथ ही लोग अब चाइना के सामान को भारतीय बाजारों में प्रतिबंधित करने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि देश अब अपने सैनिकों की शहादत का बदला चाहता है। तो वही उत्तराखंड सैन्य बाहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब की बार चीन और उसकी सेना को मुंहतोड़ जवाब देकर अपने जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे विवाद के बाद अब देश में चीन के सामान का विरोध होना शुरू हो गया है। और वही उत्तराखंड पुलिस ने चीन के सभी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि चाइना के कई ऐप भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके जरिए डाटा लीक होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में पुलिस विभाग ने यह तय किया है कि शेयर इट, जूम ऐप, टिकटॉक समेत जितने भी चाइना के ऐप हैं उन सब को तत्काल तौर पर बंद किया जाएगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जल्द ही चाइना के सभी ऐप बंद कर दिए जाएंगे। एमएचए द्वारा प्रतिबंधित किया गया है किसी भी तरह से, तो हमारी पूरी किसी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा भी हमने सर्कुलेट किया है, किसी भी रूप में जूम ऐप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और बाकी पे अभी हो सकता है हाल नज़दीक में कोई और निर्णय हो तो उसके बारे में हम जानकारियां कर रहे हैं दूसरों से। चीन के खिलाफ भारत में खासा आक्रोश दिख रहा है। अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं, जिसके अब देश भर में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह आक्रोश का माहौल दिख रहा है। सितारगंज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा महाविद्यालय सिसोना गेट के सामने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चीन सरकार का पुतला फूंका गया, तो वहीं उधम सिंह नगर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए चीनी सैनिकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के अंदर कुनाऊ गांव में हो रहे निर्माण कार्य के मसले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट भूमि में किसी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों को हटाकर 1 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के सख्त आदेश भी दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। राष्ट्रीय उद्यान में मुनि सिद्धानंद द्वारा किए जा रहे एनक्रोचमेंट एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए एनक्रोचमेंट जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है उसके बावजूद भी वो रह रहे हैं, इस पर सरकारी पक्ष एवं मेरे द्वारा बहस की गई। इस बहस को सुनने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ ने इस तरीके से आदेश पारित किया है कि सरकार जो है उन आने वाली 1 जुलाई तक क्या एक्शन ले रही है। कोरोना संक्रमण के बाहरी राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आ रहे प्रवासियों को जिन्हें होम फैसिलिटी एवं संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है उनके लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में तैनात किए गए नोडल अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो जिम्मेदारियां जिस अधिकारी को सौंपी गई है वो उसे ठीक तरह से निभाए। देहरादून में 3 महीने से बंद पड़ी सिटी बसें चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार सवारियों को 2 गुना किराया देना होगा। बता दें सिटी बस संचालकों की मांग थी कि 50% क्षमता के साथ वो बसों को नहीं चलाएंगे, जिसके बाद कैबिनेट में सिटी बसों के संचालन को लेकर किराए को 2 गुना करने का फैसला लिया गया। यानी कि जहां एक तरफ कोरोना के चलते लोगों के सामने आर्थिक परेशानियां आ रही हैं और वहीं अब सवारियों की जेब पर सरकार ने किराए का भी भार बढ़ा दिया है। वहीं बसों के संचालन और मांग पूरे होने के बाद सिटी बस संचालक खुश हैं, उन्होंने सरकार के इस फैसले पर धन्यवाद किया है। देखो हमारी कई मांगे थी, जैसे हमारा टैक्सेस माफ़ करने का बात थी साल भर की, इंश्योरेंस में रिलीफ था, या हमारे किराए की बात थी, या हमारा जस्ट डबल कर दिया जाए, या 50% जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की रह जाएंगी सीटें वो सरकार जो है या उसका जो है कुछ हर्जाना दे। लेकिन सरकार ने हमारी एक मांग तो मान ली है, मान ली गई है, जिसमें कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन में बैठे जितने भी परिवहन के अधिकारी हैं हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी सिटी बस यूनियन की तरफ से हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यहां वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा के धोराणी ग्राम से तया तक बन रही मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर अग्रिम के आदेश तक रोक लगा दी है और कटे पेड़ों की जांच करने के लिए पटवारी से हटाकर रेगुलर पुलिस को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति RC खुलवे की खंडपीठ में हुई। बता दें कि खुलास सिंह रावत निवासी सल्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में धारणी से तया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा 224 हरे पेड़ काट दिए गए हैं। दूरस्थ क्षेत्र में सड़क निर्माण जो चल रहा था उसमें 224 पेड़ सल्ट क्षेत्र में काटे गए थे, जिस पर आज कोर्ट ने जनहित याचिका में संज्ञान लेते हुए आदेशित किया है कि अगले आदेशों तक सड़क निर्माण नहीं होगा और पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और साथ ही जो दोषी हैं उनको दंडित करने के लिए ये मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो कि 3 दिन के अंदर ट्रांसफर करना होगा। इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की लालसा उम्र भर रहती है, वही राजधानी बनने के बाद कहीं ना कहीं बिल्डरों ने देहरादून के खूबसूरत इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ बिल्डर अपार्टमेंट बनाकर मनचाहे दुगने दामों पर भी बेच रहे हैं। यह मामला है सहस्त्रधारा रोड पर स्थित पन्नास वैली के नाम से ABL प्राइवेट कंपनी से ग्राहकों से लाखों की एक फ्लैट की कीमत के अनुसार 90% तक का एडवांस जमा करवा लिया गया, जिसके बाद से ना तो ग्राहकों को उनका मनचाहा फ्लैट मिल पाया और ना ही उनको रकम मिल पाई। मैं तो हमने कई ईमेल दिए हैं, 4-5 ईमेल हमने इनको किए थे कि आप अपना रोड मैप बताइए, क्योंकि हमें भी पता था बीच में नोटबंदी आ गई या थोड़ा बहुत कुछ आ गया, तो हमने भी सोचा कि चलो 1-8 साल कोई बात नहीं, हम लोग भी सह लेते, लेकिन अब 3.5 साल हो जाने के बाद हमें भी बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई। 2013 में यहाँ पे ABL ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पनास वैली के, पनास प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें हमने विला बुक किए थे 2016 एज पर MDDA इसकी पोजीशन डेट थी, जो कि ये अभी तक दे नहीं पाया है। दूसरा, बेसिक अम्यूनिटीज़ के नाम पे इसने जो हमें प्रॉमिस किया गया था वो कुछ नहीं की हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 50 साल के हो गए हैं, तो डोईवाला में भी कांग्रेस नेता का जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाते हुए मास्क बांटकर लोगों से कोरोना बीमारी से बचने की अपील की गई। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने लद्दाख के चाइना बॉर्डर पर हुई भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन करके उन्हें याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि किसी तरह का कोई कार्यक्रम उनके जन्मदिन को लेकर ना किया जाए, इसलिए आज हम अपने नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाते हुए लोगों को फेस कवर, मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं। उद्यम सिंह नगर के क्वारंटाइन सेंटर में एक बार फिर युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पंत नगर चितरंजन भवन में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन दिनेशपुर निवासी युवती के साथ युवक ने छेड़खानी की, इस दौरान हंगामा होने पर आरोपी फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद की अंतिम सीमा से लगे बैरीनाक पोशा नगरौली मोटरमार्ग पिछले एक दशक से खस्ता हाल में है। सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर बागेश्वर जनपद के ठांगा गांव के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय बैरीनाक पहुंचे, जहां पर आश्वासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर सड़क के खस्ता हाल होने से हो रही परेशानी से अवगत कराया गया और सड़क में अवैध खनन से क्षेत्र को नुकसान होने से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अधिश्वासी अभियंता बीके सिन्हा ने बताया कि सड़क के सुधारीकरण के लिए लिस्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया। अपने आप बंद होगा। आए थे वहाँ से गांव के प्रतिनिधि लोग आए हुए थे और मैं अभी तुरंत मौके पे जा रहा हूँ। मौके पे जाने के बाद जो उनकी स्थिति है वहाँ सड़क की, उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जेसीबी वगैरह से नाली निर्माण है वो फिलहाल हम करेंगे। बाकी उस सड़क की डीपीआर हमने ऊपर भेज रखी है बना के अपने स्तर से। सीमांत खटीमा क्षेत्र के किसानों को एक घंटे की बारिश से बड़ी राहत मिली है। सामान्य तौर पर क्षेत्र के किसान जुलाई के प्रथम सप्ताह में मॉनसून आने के बाद धान की रिपोई शुरू करते थे, जबकि स्थानीय किसानों ने जून प्रथम सप्ताह में सिंचाई के संसाधनों की उपलब्धता के चलते धान की रोपाई शुरू कर दी है। जून माह में धान की रोपाई के साथ गन्ने की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज भी बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है, साथ ही एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी से भी लोगों को बड़ी राहत मिली है। और यहां अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। 21 जून तक हाई रिस्क, कोरोना की लास्ट डेट फिक्स, सूर्य ग्रहण से जीवन में आएंगे ये बदलाव, देश व दुनिया पर पड़ेगा इसका प्रभाव, किस राशि के लिए शुभ है सूर्य ग्रहण, मूलांक के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, जानिए आचार्य लंकेश से। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं केराकत जौनपुर से विधायक दिनेश चौधरी, जिन्होंने अपनी विधानसभा में हर जरूरतमंदों की मदद की है और सरकारी योजनाओं को भी सभी तक सब पहुंचाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने विधानसभा केरारत में विकास की अभी तक कितने कार्य किए हैं? सबसे पहले तो मैं के न्यूज चैनल को बधाई देता हूं जी कि आज दूसरी बार आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए 3 साल में किए गए कार्यों को जनता के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैं दिनेश चौधरी, विधायक केराकत जौनपुर, अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रगति विकास के महत्वपूर्ण कार्य एवं व्यक्तिगत रूप से किए गए
सामाजिक और सहायता कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। जौनपुर विधानसभा क्षेत्र किराकत का सबसे बड़ा आबादी वाला गोमती और सई नदी के उपजाऊ भूमि पर बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से इसकी सीमाएं जनपद वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर से जुड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुका है, 75% लोग शिक्षित हैं। देश विदेश में बड़े प्रशासनिक पदों पर काफी लोग कार्यरत हैं। मुझे सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भारी मतों से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे आने के पहले यह क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित था। तत्कालीन विधायक न तो क्षेत्र में जाते थे, न जनता के दुख दर्द से उनका कोई वास्ता था। चुनाव के दौरान जनता मुझसे अपनी पीड़ा सुनाती थी और मैं विधायक बनने के बाद उसे पूरा करने का क्रमशः प्रयास किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने रख रहा हूं। सपा की सरकार और सपा का ही विधायक 2012 से 2017 यानी 5 साल रहा, फिर भी हमारे विधानसभा में 2 पुल अधूरा रहा। यह विधानसभा किराकत का दुर्भाग्य ही था। उस विधायक ने क्षेत्र की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। बसपा की सरकार में गोमती नदी पर स्वीकृत 2 पुल भड़ेरी मई पसेवा घाट अधूरे पड़े रहे। पुल ही नहीं, विधानसभा विकास के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। सपा विधायक से क्षेत्र की जनता का कोई संपर्क नहीं हो पाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैंने माननीय मंत्री जी से कह के जो अधूरे पुल थे, मई पसेवा घाट का पुल लगभग 16 करोड़ रुपया और भड़ेरी घाट का पुल लगभग 16 करोड़ रुपया पास हुआ। दूसरा, आए दिन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती से लेकर निजी आवासों में आगजनी की घटनाएं हो जाया करती थी। फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ग्राम सभा हुरूरी में फायर ब्रिगेड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से आपने कार्य किए हैं ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इसमें आपकी तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कोरोना के संकट काल में मास्क, सैनिटाइजर जी और गमछे को मुफ्त में बड़े पैमाने पर बांटा गया। क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन और सैनिटाइजर होने के लिए कई बार अपील की। फेसबुक लाइव एवं व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझाते रहे। असहाय लोगों के लिए मुफ्त में राशन और एक साथ 50 क्विंटल गेहूं काशी प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक के माध्यम से जरूरतमंदों को दिया गया। और व्यक्तिगत रूप से मैंने 5 लाख रुपया की सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और पूरे समय तक जनता से जुड़कर उनकी जरूरतों के अनुसार हर तरह से पूरी मदद करता रहा। मुंबई में फंसे गरीब मजदूरों, चूंकि जौनपुर जिले के ज्यादा लोग हमारे मुंबई में रहे हैं, तो ट्रेन व बसों द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रनायक युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने सही निर्णय लेते हुए
देश को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। इस परीक्षा की घड़ी में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मजबूती, दृढ़ता और साहस का परिचय दिया, उनका पूरा प्रदेश और देश की जनता बार बार नमन करती है। ये बहुत अच्छी पहल की है आपने दिनेश जी, कि जिस तरीके से आप जो प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की है और जो किसान है, आपने भी उनके लिए काफी कुछ किया है। अगर जो सरकार की जो योजनाएं आई हैं, आपने किन किन लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंचाई हैं, किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है आपकी तरफ से? केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समस्त संचालित योजनाओं को विधानसभा क्षेत्र में 100% ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए गए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संपर्क मार्गों का जाल बिछाया गया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां बिजली नहीं गई थी उसका विद्युतीकरण कराया गया और बड़े क्षमता यानी 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो 63 का है तो 100 का है तो 250 लगवाया गया। हजारों गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। स्वास्थ्य योजनाओं के साथ सैकड़ों असहाय गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए की चिकित्सा राशि कैंप लगाकर बांटे गए। हजारों आवास विहीन परिवार को मकान बनवाकर छत दिया गया। लाखों लोगों को शौचालय दिया गया। बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण कराया गया। अस्थायी गौशाला बनवाया गया। कैंप लगाकर किसान सम्मान निधि एवं वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन वितरण किया गया। वह प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड बनवाया गया। सबसे बड़ी बात मेरा दायरा तो उत्तर प्रदेश तक ही है, लेकिन हमारा तहसील, हमारे जिले का सबसे बड़ा तहसील है किराकत। किराकत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और ओवरब्रिज सेतु का निर्माण और ट्रेनों का ठहराव के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करके पास करवा लिया हूं। और ये लॉकडाउन के चक्कर में अभी काम मेरा रुका हुआ है, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और दिनेश जी, अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था, अभी तक जो जमीन स्तर की बात करें तो कितना अभी तक किसानों पर पहुंच सका है? अभी प्रदेश सरकार का जैसे जैसे आदेश होता है हम लोग उस हिसाब से पालन करते हैं। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार को जो भी योजनाएं आती हैं उसको हम लोग 100% ईमानदारी से अपने विधानसभा में पालन कराते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल भी आपने की है और जिस तरीके से आप कार्य लगातार कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि केराकत के विधायक, बीजेपी विधायक है ये दिनेश चौधरी, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ कार्य किया गया है और जो सरकार की जो भी योजना आ रही, चाहे वो केंद्र की योजना हो या फिर प्रदेश की योजना हो, वो उन तक पहुँचाई जा रही है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।